नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। किसी स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रोजेक्ट वर्क में आदित्य का चरित्र चित्रण मिला है मैम, तो प्लीज़ मेरे को चरित्र चित्रण प्रोवाइड करवा दीजिए। बच्चे, मैं चरित्र चित्रण क्या, आप कोई भी क्वेश्चन कहोगे मैं प्रोवाइड करवाने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, आपको अपने भविष्य के लिए खुद अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जो चरित्र चित्रण होता है दैट इज करेक्टराइजेशन, यानी कि किसी भी नाटक या कोई भी कहानी आप सुनते हो उसमें जितने भी पात्र आते हैं उनकी सोच क्या है, उनकी कार्य पद्धति क्या है, इनके बारे में सूचना देना ही उस पात्र का चरित्र चित्रण कहलाता है। और पात्रों का वर्णन करने के लिए उनके कार्यों, उनके वक्तव्य, जो वो बोलते हैं, उनके विचारों, इनका सहारा लिया जाता है। चरित्र चित्रण कोई मुश्किल बात नहीं होती कि चरित्र चित्रण पता नहीं क्या दे दिया है। तो चरित्र चित्रण मेनली उस व्यक्ति की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताना है कि उस बच्चे के बारे में, जहाँ फिर उस पाठ में किसी के बारे में भी आपको चरित्र चित्रण पूछा जाए तो आपको उसका चरित्र चित्रण पेश करना है। तो जीतने वाली टीम कक्षा 7 पाठ 9 अनुगूंज पाठ्य पुस्तक का, जीतने वाली टीम का मुख्य पात्र था आदित्य, जिसका चरित्र चित्रण मैंने आपको आपकी डिमांड के अनुसार प्रोवाइड करवा दिया है। इसे प्लीज़ अपनी कॉपीज पर लिख लीजिएगा ध्यान से, और आपकी कोई और भी डिमांड हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आप अपने आप को इस तरह तैयार रखिए स्टूडेंट्स कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहानी को अच्छे से सुने, वीडियो को अच्छे से सुने, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कम से कम उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने आप को तैयार पाओ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।